नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पहाड़ों में लगातार चल रही भारी बारिश की वजह से जहां सभी नदियां उफान पर हैं, ठीक इसी प्रकार हरियाणा में अंबाला छावनी से गुजरने वाली टांगरी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। जिला प्रशासन की ओर से नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में प्रशासन के अलग अलग महकमों के सभी अधिकारी मौके का बार बार जायजा लेने पहुंच रहे हैं। अंबाला छावनी में महेशनगर ड्रेन जहां मिलती है, वहां पर हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस टीवी के संवाददाता सर्वेश शर्मा से बात करते हुए सिंचाई विभाग के XEN रणवीर त्यागी ने बताया कि जहां पूरे सीजन में लगभग 500 mm के आसपास बारिश हुई, वहीं एक ही दिन में 250 mm से ऊपर बारिश हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक टांगरी बांध पर लगी मोटरों को लगातार चलाया जा रहा है ताकि जो बरसाती पानी अंबाला छावनी की तरफ नदी से डायवर्ट किया जाता है उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके और अंबाला वासियों को राहत मिल सके। XEN रणबीर त्यागी ने बताया कि टांगरी नदी का जल स्तर कम होते रात तक इस पानी को निकाल दिया जाएगा। टांगरी नदी के पानी को निकालने के लिए मोटरों से पंप को सुबह 5:30 बजे से लगातार चलाया जा रहा है। 3 पंप लगातार चलाने से 120 क्यूसेक पानी शाम 5:30 बजे तक निकाला जा चुका है। इसी बीच अंबाला के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शालीन ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में जिले में 248 mm बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते अंबाला शहर में कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। जिले में जो ड्रेने हैं और उसके साथ जो नदियां हैं वे इस समय पूरी तरह से भरी हुई हैं, जिसके कारण पानी की निकासी थोड़ा धीरे धीरे हो रही है। अंबाला शहर जो कि लो लेवल क्षेत्र है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। जहां पर भी फिक्स्ड पंप है वहां पर पंपों के माध्यम से पानी को निकालने का काम किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के तहत हर विभाग की जिम्मेवारी तय की गई है। बाढ़ प्रबंधन के दृष्टिगत कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो कि 24 घंटे चालू है। कहीं पर भी यदि कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी सूचना इस कंट्रोल रूम पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे ही नदियों का जल स्तर कम होगा बरसाती पानी की निकासी और तेजी से होगी। अंबाला में मूसलाधार बारिश को ध्यान में रखते हुए नगर निगम अंबाला के दूरभाष नंबर 01712443747 को जारी करते हुए अंबाला की CFC शाखा में बाढ़ राहत कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें रात्रि के समय भी नगर निगम के कर्मचारी उपस्थित रहेंगे और इस नंबर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटान करेंगे। अंबाला छावनी से हमारे संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। रणवीर सिंह यागी, XEN इरिगेशन डिपार्टमेंट अंबाला। यहाँ पे हम लोग अभी महेशनगर पंप हाउस पे खड़े हुए हैं, जो कि महेशनगर ड्रेन जहाँ पर टांगरी में मिलती है वहाँ पर टांगरी में नीचे ज़्यादा पानी आने के कारण इसके महेशनगर ड्रेन के गेट को बंद कर दिया गया है और ये पंप्स के द्वारा जो है ना ये पानी को उठा करके टांगरी में डाला जाता है। बारिश एक ही दिन में लगभग 250 mm बारिश हो जाने के कारण, क्योंकि लगभग सारे जो सीजन होता है उसमें 500 mm के आसपास बारिश होती है, तो आधी बारिश जो है ना इसकी वजह से ये इस तरह की समस्या जो है ना पैदा हुई है। लेकिन इसके लिए डिपार्टमेंट या जो भी सब लोग जो है ना प्रयासरत हैं, बिजली बोर्ड के लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। बिजली का कोई प्रॉब्लम आती है बारिश की वजह से तो उसको भी जल्दी जल्दी दूर कर दिया जाता है और ये इसको आशा है कि रात को अपना टांगरी में भी पानी कम हो जाएगा और उससे हम लोग और राहत मिल पाएगी। ये पानी जो है ना हमारा फ्लो के द्वारा जो नेचुरल फ्लो है उससे और अच्छी तरह चल पाएगा। थैंक यू सर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।